अरे गुलाम रसूल भाई, क्या हो गया? मैं वाकया कर्बला पढ़ रहा था। अच्छा, मुझे भी बताए ना, कौन सा वाक्य है? 10 मुहर्रम अल-हराम सने 61 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाडले नवा से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को यजीद पलिद ने 72 साथियों समेत मैदान कर्बला में भूखा प्यासा शहीद करवाया। ये जालिम शख्स कौन था यजीद पलिद? यजीद पलिद नहायत ही फासिक फाजिर शख्स था जो जबरदस्ती अपनी इताअत करवाना चाहता था। ओहो, गुलाम रसूल भाई, हमें वाकिया कर्बला से क्या सबक मिलता है? अल्लाह की राह में जानो माल कुर्बान करना, जुल्म का साथ ना देना, सब्र करना, और हाँ, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद किया गया तो सर सजदे में था। इससे हमें एक और सबक भी मिलता है कि हमें हरगिज नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। वाह, क्या बात है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की घर लुटाना, जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जान आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत। माशा अल्लाह, गुलाम रसूल भाई, क्या इस दिन की कोई और अहमियत भी है? जी हाँ, आशूरा के दिन की 25 फजीलतें हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ अर्ज करता हूँ। आशूरा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन अर्श कुर्सी आसमान जमीन सूरज चांद सितारे और जन्नत पैदा किए गए। और हाँ फिजान भाई, आसमान से जमीन पर सबसे पहले बारिश इसी दिन नाजिल हुई। गुलाम रसूल भाई, आपने तो मुझे इस दिन के हवाले से चंद ही फजीलतें बताई हैं, क्या और भी हैं? जी जी, उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी होगी। जज़ाकअल्लाहु खैरा।